बहु पुरातन स्वाधीनता पूर्व कालरु ब्रह्मपुर सहरर मध्य भागरे राम लगेश्वर मंदिर सम्मुखरे 8.157 एकर जमी परिसरे पोखरी रहिछि। एहि विराट पोखरी रे प्रवाहित शांत सरल पवनर स्पर्शरे मंत्रमुग्ध होइ आसुथिला। एति सकासे प्रत्येक संध्या समयरे एहिठारे सहरवासी एकत्रित होइ सेमानक तृप्ति मेंटाउथिले। सहरर मध्य भागरे पोखरी थिबा हेतु सहरवासी पोखरी निकटरे प्रायतः एकत्रित हेउथिले ओ एहा सेमानक पई एकमात्र बंधु मिलनर केन्द्रस्थली थिला। पोखरीटीरे गाधोइबा रीतिनीति ओ सर्वसाधारण समावेशर धार्मिक कार्यकलाप पई व्यवहृत होई आसुथिला। पोखरीटी 8.157 एकर जमी परिसररे व्यापी थिबा एवं ग्रीष्म कालरे छोट केनाल माध्यम रे जल सेचन सकाशे जल संरक्षण उद्देश्य को परिपूरण करि पारुथिला। विराट पोखरीर जल धारण क्षमता जोगु एर आखपाख अंचल रे बसवास करुथिबा साहिर बासिंदा गृह मानकरे थिबा कूप मानकरे जलस्तर स्थिर होई रही आसुथिला। समय क्रमे सहरीकरण वृद्धि हेतु पोखरीर चतुपार्श्वरे बासस्थान वृद्धि पाइथिला। पोखरी निकटरे जनसमागम हेतु यार चारि दिगरे दोकान बजार बहु संख्यारे वृद्धि घटी वाणिज्यिक व्यवसाय सकाशे एक केन्द्रस्थली पलटिथिला। प्रशासन जिमा नथिबा हेतु परवर्ती पर्यायरे पोखरीटर रक्षणाबेक्षण अभाव और पुनरुद्धार नहेबा कारण जोगु जल धारण क्षमता क्रमश ह्रास घटिबारे लागिछि। मैला आवर्जना पड़ी आपाततः मैला आवर्जना गच्छित करिबा स्थान रूपे परिवर्तन दिगरे अग्रसर हेउथिला। बहु बादानुबाद मध्यरे शेषरे प्रशासन हस्तक्षेप फलरे पोखरीटी पोती होइजिबारु वंचित होइथिला। समसामयिक सहरी चाहिदा अनुजाई रामलिंगेश्वर पोखरीटीर पुनरुद्धार एवं नवीकरण पई एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यक अनुभव करा पूर्ति गंधमय परिवेशरु वंचित करा जिबा नै स्थिर करा जाइथिला। ब्रह्मपुरु अशेष कुमार पात्रंक रिपोर्ट।